नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज द्वारा 151 पंडितों को राशन वितरित किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने बताया कि 151 पंडितों को राशन वितरण किया गया। कोरोना वैश्विक महामारी के कारण पंडित जो मंदिर में पूजा करते थे, लेकिन मंदिर बंद होने के कारण यह सभी पंडित आर्थिक तंगी में आ चुके हैं। इसलिए अभी 151 पंडितों को राशन वितरित किया गया और शासन से भी मांग की गई है कि इन सभी पंडितों के खाते में 10,000 रुपये डाल दें। इस मौके पर पूर्व जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आज की ओर से इसके अध्यक्ष भाई पुष्पेंद्र मिश्रा जी हैं, मैं भी उसका संरक्षक हूँ। यहाँ पाचक मधु भाई भी उपस्थित हैं। आज पूरे ब्राह्मण समाज को खाने के दाल चावल आटा के पैकेट यहाँ पे दिए गए, उनको समर्पित किए गए। क्योंकि पिछले 2 महीने से हम देख रहे हैं लगातार मंदिर बंद हैं और ये समाज जो पूजा पाठ और कर्मकांडी समाज है, जो मंदिरों में पूजा करके ही जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी दक्षिण से प्राप्त जो दक्षिणा आती थी उससे चलता था, इसलिए बहुत दुखी रहा। सबसे पहले 2 महीने पहले मैंने ये मांग की थी 10,000 रुपये सबके अकाउंट में डाले जाएं, लेकिन ऐसा कुछ सरकार के द्वारा नहीं किया गया। लेकिन मेरी मांग है कि जो सरकार से संबंध मंदिर हैं, जो करीब 22,000 से ज़्यादा हैं, उनका एक मानदेय मिलता है जो 3 गुना किया था जब मैं धर्मवत मंदिर, वो पैसा उनके अकाउंट में तुरंत आए, ये सरकार को करना चाहिए। और बाकी सभी जो पुजारी हैं, पंडित हैं, मंदिर के और भी धर्म के हों, सबके अकाउंट में 10,000 रुपये आना चाहिए, ये हमारी मांग है। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश के नेतृत्व में जिस प्रकार से जब से कोरोना नामक भीषण आपदा के तहत पूरे भारत में लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई, उससे जो पुजारी लोग हैं उनके भरण पोषण की स्थिति दयनीय हो गई। चूँकि उनके भरण पोषण की जो व्यवस्थाएं हैं, वह मंदिर में रह करके और मंदिर में पूजा अर्चना कर और भगवान की प्रार्थना करने के पश्चात उनको जो दक्षिणा प्राप्त होती है, उसी से उनके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन जब से यह कोरोना की स्थिति से लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई, तो निसंदेह वो लोग परेशान हुए। उसको लेकर के अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा पूरे प्रदेश में हम लोग निरंतर पुजारियों को अन्न राशन सामग्री यथासंभव स्थिति जितनी भी हम लोगों के सामर्थ्य के अनुसार है वह हम सब वितरित कर रहे हैं। उसी तारतम्य में आज यहाँ पर 151 पुजारियों को हमने राशन आटा और अन्य सामग्री वितरित की। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती भोपाल। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।